नमस्कार, जीरो पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं शिल्पा। मैरिटल रेप का प्राधिकरण किए जाने से महिला के ना कहने के अधिकार का होगा सम्मान। दिल्ली हाई कोर्ट को सोमवार को बताया गया कि मैरिटल रेप का प्राधिकरण किए जाने से पत्नी के ना कहने के अधिकार का सम्मान होगा और यह स्वीकार करने के बारे में होगा कि विवाह अब सहमति को अनदेखा करने का एक सार्वभौमिक लाइसेंस नहीं है। हाईकोर्ट के समक्ष मैरिटल रेप को अपराध घोषित की मांग पर अपना पक्ष रखते हुए गैर सरकारी संगठन ITI फाउंडेशन यह दलील की दी है। जस्टिस राजीव सगधर और सी हरिशंकर की बैच के फाउंडेशन की ओर से वकील वरुणा नंदी ने कहा कि अब तक मैरिटल रेप एक और स्पष्ट अपराध नहीं बन जाता तब तक इसे माफ कर दिया जाएगा। साथ ही नंदी ने बेंच को बताया कि यह मामला एक विवाहित महिला के साथ उसकी मर्जी के बगैर जबरन शारीरिक संबंध से इनकार करने के नैतिक अधिकार के बारे में है। साथ ही कहा कि यह पत्नी के ना कहने के अधिकार का सम्मान करने और स्वीकार करने के बारे में भी है। विवाह अब सहमति को अनदेखा करने का एक सार्वभौमिक लाइसेंस नहीं है। इन्होंने बेंच को बताया कि अदालत के फैसले के नियामक शक्ति सभी के लिए मान सम्मान के पोषित संवैधानिक लक्ष्य को साकार करने के साथ ही एक लंबा रास्ता तय करेगी। वकील ने संविधान को परिवर्तनकारी बताते हुए इसमें बदलाव से महिलाओं को सार्वभौमिक मताधिकार और वोट देने, पूजा करने, यौन उत्पीड़न के बिना काम करने और तीन तलाक के खिलाफ अधिकार प्राप्त हुआ है। सुनवाई के दौरान जस्टिस हरिशंकर ने दोहराया कि IPC की धारा 375 का अपवाद दो पक्षों के बीच संबंधों के संदर्भ में गुणात्मक और अंतर का आधारित है, जो जरूरी नहीं है कि सहमति पर हो। संविधान के अनुच्छेद 14 के प्रशिक्षण का निर्धारण करते हुए अपवाद दो के अंतर को अपवाद के पीछे की विदाही उद्देश्य पर ही परखा जाना है, न कि दुष्कर्म कानून के पीछे की वास्तु पर है। हाईकोर्ट इस बारे में वकील नंदी से समुचित दलील देने को कहा। मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने की मांग को लेकर लिखित कई संगठनों की याचिकाओं पर उच्च न्यायालय से सुनवाई हो रही है। केंद्र को दलित के लिए तैयार रहने को कहा। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार की ओर से पेश वकील को भी अपनी दलीलें आगे बढ़ाने के लिए तैयार होने को कहा, क्योंकि अन्य सभी पक्ष अपनी दलीलें पूरी करने की कगार पर है। कोर्ट ने सरकार की ओर से वकील मोनिका अरोड़ा से जानना चाहा कि क्या उनके पास 2017 में सरकार के द्वारा मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने की मांग के विरुद्ध दाखिल फरमाने को वापस लेने का कोई निर्देश है या नहीं। बेंच ने भी कहा कि आपको समुचित जवाब के साथ वापस आने की जरूरत है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ जीरो पॉइंट में। नमस्कार।